अयोध्या में संतों ने सरकार से जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण की मांग की है। संतों का कहना है इस समय यूपी और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, मोदी को फिर से लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए मंदिर निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। महाराणा प्रताप की जयंती पर पीएम मोदी वीर योद्धा को किया शत शत नमन, ट्वीट कर पीएम मोदी ने किया नमन। ट्वीट कर मोदी ने कहा उनकी जीवन गाथा साहस शौर्य स्वाभिमान पराक्रम का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह सचिव राजीव गाबा, रॉ प्रमुख अनिल धमसाना समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जाएंगी विदेश दौरे पर, जापान में G20 देशों के सम्मेलन में होंगी शामिल। वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में होंगी शामिल। 8-9 जून को फुकुओका में होने वाली बैठक में शामिल होंगी निर्मला सीतारमण के साथ आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास भी होंगे। मथुरा में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वृंदावन मंदिर में किया दर्शन पूजन, जहां उन्होंने बांके बिहारी राधा वल्लभ जी मंदिर में दर्शन किया, साथ ही देश की सबसे बड़ी ताकत बनने की मन्नत भी मांगी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत के आकस्मिक निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक, मंत्री के निधन पर आज 1 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। कैंसर से पीड़ित थे मंत्री प्रकाश पंत, अमेरिका में चल रहा था इलाज। प्रयागराज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का संभावित दौरा है, प्रियंका गांधी कल प्रयागराज पहुंच सकती है। स्वराज भवन में यूपी के 40 प्रत्याशियों के साथ लोकसभा चुनाव की हार और 2022 के चुनाव पर मंथन करेंगी। आरबीआई ने रेपो रेट में की कटौती, रेपो रेट घटकर 5.75% हुआ, अब कर्ज लेना सस्ता होगा। टीम इंडिया ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 6 विकेट हराकर टूर्नामेंट में धमाकेदार आगाज किया। भारतीय गेंदबाज ने इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 227 रनों पर रोक दिया था। इस लक्ष्य को भारत ने 48 ओवर के तीसरी बॉल पर 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कल, तुलसी स्मारक भवन में राम मंदिर का करेंगे अनावरण, नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। इटावा में आज शिवपाल सिंह यादव अपने आवास पर समर्थकों से कई मुलाकात, मीडिया के सवालों से बचते नजर आए शिवपाल। उन्होंने मुलायम और अखिलेश की मीटिंग की अफवाह पर एक मीटिंग की बात कही है। हरदोई में बिलग्राम कोतवाली इलाके में सदरपुर के पास सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, अज्ञात वाहन से हुआ हादसा। हरदोई में सड़क हादसे में हुई 6 की मौत पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए डीएम को दिया निर्देश, घायलों को हर संभव मदद करने के निर्देश। सीएम ने ट्वीट कर कहा सर्वहित बीमा योजना के तहत मृतक के परिवार को मुआवजा प्रदान करें। ललितपुर से बीजेपी विधायक राम रतन कुशवाहा के बिगड़े बोल, सांसद अनुराग शर्मा के अभिनंदन समारोह में बिगड़े बोल, अधिकारियों कर्मचारियों को जूते से मारने की बात कही। आगरा के भूदेवी इंटर कॉलेज में सर्वर डाउन होने से ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाए छात्र, एसएससी का एग्जाम नहीं दे पाए छात्र, छात्रों ने एसएससी एग्जाम निरस्त करने की मांग की, छात्रों ने जमकर किया हंगामा। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद मेलिंक रोड वसुंधरा फ्लाईओवर का किया लोकार्पण, जनता के लिए आज खोल दिया जाएगा फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम से जनता को मिलेगी राहत, 49 करोड़ की लागत से किया गया है निर्माण। अलीगढ़ के थाना छप्पल इलाके में हुए मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, परिजनों ने दुष्कर्म का लगाया आरोप, रुपए के लेनदेन को लेकर हुई थी हत्या। मेरठ में लाल कुर्ती के गांधीबाग इलाके में फौजी की बेटी से सरेआम छेड़छाड़, लड़की ने शोहदे की बाइक की निकाली चाबी, शोहदे की हरकत पर चुप्पी साधे रहे तमाशबीन, वारदात के वक्त एंटी रोमियो स्क्वाड भी थी गायब। मेरठ में 3 घंटे में 2 थाना क्षेत्रों में 2 हत्याएं, किशोरी के अपहरण के बाद हत्या कर शव पोटली में बांध नाले में फेंका, 2 दिन पहले हुआ था किशोरी का अपहरण, खरखोदा थाना क्षेत्र से अपहरण करने के बाद हत्या करके शव फेंका। बदायूं के उजानी कोतवाली इलाके में मासूम को एक शादीशुदा व्यक्ति हवस का शिकार बना रहा था, पीड़ित बच्ची 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है, भाई को जान से मारने की धमकी देकर 6 महीने तक करता रहा यौन शोषण।
अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। अवैध संबंधों के चलते और दो अन्य लोगों की गोली मारी है। गंभीर रूप से दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमीरपुर में जिला कलेक्ट्रेट के अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। अवैध संबंधों के चलते दो अन्य लोगों को भी गोली मारी है। गंभीर रूप से दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमीरपुर में जिला कलेक्ट्रेट के चबूतरे पर भारतीय सेना का सैनिक परिवार सहित धरने पर बैठा रहा सैनिक ने लगाया पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप। पुलिस नहीं कर रही है आरोपियों पर कोई कार्रवाई। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में लंगला अंबू गांव के पास अज्ञात महिला का मिला शव। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। हत्या का शव फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में खुर्जा नगर की खीर खानी में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। गोंडा के कोतवाली कर्नलगंज के बसरिया गांव में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और प्रधान के समर्थकों के बीच मारपीट। मारपीट के विवाद को लेकर प्रधान के समर्थकों ने गांव को में लगाई आग। गांव में सांप्रदायिक तनाव का माहौल। गांव में कई थानों की फोर्स के साथ पीएसी बल तैनात। बागपत में कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के बावली गांव में मामूली विवाद में दो पक्षों में फायरिंग। विवाद में तीन लोगों की गोली लगने से हालत गंभीर। घायल अस्पताल में भर्ती। लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने जवाब में किया लाठीचार्ज। कई लोगों को लिया गया हिरासत में। मौके पर भारी मात्रा में पीएसी बल तैनात। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के गांव बांस बरौलिया में पति ने पत्नी की फांसी लगाकर हत्या कर दी। प्रेम विवाह करने के डेढ़ महीने के बाद प्रेमी ने की दहेज इसकी मांग। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज जिले के सरकारी अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों के ने आरोप लगाते हुए कहा अस्पताल में डॉक्टर न होने के कारण घायल महिला ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। बरेली के चोल रड़ैया गांव थाना क्षेत्र के नवादा गांव में ग्रामीणों ने खेत में एक घड़ियाल पकड़ा। वन विभाग ने घड़ियाल को कब्जे में लिया। लखीमपुर के पलिया के तिलकपुरवा में डीसीएम और बाइक के आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार दो लोगों की हुई झुलसने से मौत। भिड़ंत के बाद बाइक में लगी आग। बाराबंकी में रामनगर महादेवा सूरतगंज मार्ग पर नशे में धुत स्कूल संचालक ने सिपाही से की मारपीट। स्कूल संचालक नशे में दे रहा था गाली। सिपाही और शराबी का मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने शराबी को लिया हिरासत में। आजमगढ़ में अहरोला के गहजी गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। घायल बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। आग से आसपास के इलाके में मची अफरातफरी। आग से कंपनी में 50 लाख से भी ज्यादा का नुकसान। अमरोहा के थाना गजरौला से कुछ ही दूरी पर मोबाइल की दुकान में चोरी। दुकान के ताले तोड़कर चोरों ने की लाखों की चोरी। चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। आजमगढ़ के सिधारी थाना के पास पुलिस का शर्मनाक चेहरा हुआ उजागर। शोधों के आगे फेल हुआ आजमगढ़ पुलिस। सगी बहनों को जबरन गाड़ी में बिठाने लगे शोधे। लड़कियों के चिल्लाने पर भाई से की मारपीट। शोधों ने भाई को भी मारपीट कर किया घायल। पुलिस की मौजूदगी में अकेले भाई शोधों से लड़ता रहा। सैकड़ों की भीड़। पुलिस की मौजूदगी में शोधे गाड़ी से हुए फरार। मौके पर मौजूद पुलिस भाई को 100 नंबर डायल करने का देती रही सुझाव। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल। नकाबपोश बदमाशों द्वारा युवक को गोली मारने के मामले से आहत थे बीजेपी विधायक। उनका कहना है पुलिस चाहती तो इतनी बड़ी घटना ना होती। कानपुर में गर्मी के चलते यात्री की बिगड़ी हालत। घंटों सेंट्रल स्टेशन जीआरपी चौकी के सामने स्ट्रेचर पर पड़ा रहा बीमार यात्री। पुलिसकर्मी ने नहीं ली कोई सुध। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद सक्रिय हुए पुलिसकर्मी। बीमार को भेजा हॉस्पिटल। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के विकास भवन के पास ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने से पूरा ट्रांसफार्मर जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंची दमकल ने पाया आग पर काबू। बदायूं जिले में भी गर्मी का सितम लगातार जारी। भीषण गर्मी ने सभी को बेहाल किया। सूरज निकलने के साथ ही तपिश और गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है।
बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली अलीगढ़ चुंगी के निकट रोडवेज बस ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में करीब दो दर्जन लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। झांसी में समाजसेवी महिलाओं ने लोगों को जागरूक करने का दिया संदेश। महिलाओं ने भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए रखा दाना पानी। गोंडा में कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बसरिया गांव में दो भाइयों के बीच विवाद के बाद गांव में सांप्रदायिक तनाव। मारपीट के बाद घरों में लगाई गई आग। कई थानों की फोर्स व पीएसी गांव में तैनात। घटना के बाद एसपी एएसपी सीओ ने किया गांव का निरीक्षण। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के अयोध्या गांव में बिजली के तार की चिंगारी से लगी आग। आग से जलकर मासूम की मौत। गंभीर रूप से झुलसे घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली के चिलबिला कोर्ट के पास एसटीएफ की मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी तौकीर हुआ ढेर। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल कारतूस, एक कार्बाइन और भारी मात्रा में कारतूस समेत बिना नंबर की बाइक भी बरामद की। जालौन के कोंच कोतवाली नगर में अज्ञात हमलावरों ने बीच बाजार में युवक की जमकर पिटाई। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल। मारपीट की घटना से इलाके में सनसनी। उन्नाव के भर्ती सीपुर कोतवाली क्षेत्र में लड़की को भगाने को लेकर दबंगों ने पीड़ित परिवार पर धारदार हथियार से किया हमला। हमले में महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर के जिला अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण। महिला वार्ड इमरजेंसी सभी वार्डों का निरीक्षण किया। डीएम की गाड़ी जाम में फंसी। लखनऊ में कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के पास स्कूल में एसएससी सीजीएल पेपर में नेट स्लो होने के कारण छात्रों ने काटा बवाल। बीसी इंफोटेक सॉल्यूशन में हो रहा था एग्जाम। समय कम मिलने पर नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन। बाराबंकी में लूट व डकैती की वारदात को अंजाम देने से पहले पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी हुआ गिरफ्तार। एक अन्य अपराधी मौके से फरार। अपराधी की गोली से एक सिपाही भी हुआ घायल। पुलिस ने मौके से अपराधी के पास से एक मोटरसाइकिल और तमंचा किया बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में सपा नेता के बेटे की हत्या से सियासी पारा गर्म। यहां सपा नेता के बेटे की लाश खेत में मिली है। इस मामले में पुलिस के बड़े अफसरों पर भी षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्रकूट के नयागांव थाना क्षेत्र के सरयू धारा के पास तेल व्यवसायी से 5 लाख की लूट। व्यवसायियों से वसूली कर लौट रहा था तेल व्यापारी। चार नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अमेठी के मुसाफिर थाना के NH56 मठा भुसुंडा के पास केमिकल से भरा टैंकर पलटा। टैंकर पलटने से ड्राइवर घायल। घायल को सीएचसी मुसाफिर थाना में कराया गया भर्ती। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और केमिकल फायर की टीम। गाजियाबाद में अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार ट्रक के डिवाइडर पर चढ़ने से चार लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रक के सामने आई गाड़ी को बचाने के दौरान हुआ हादसा। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बाबूपुरवा कॉलोनी में घर में बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू की। गाजीपुर में अंतर्राष्ट्रीय रेल क्रॉसिंग दिवस के अवसर पर रेलवे क्रॉसिंग को कैसे पार किया जाए उसके बारे में बताया गया। दिलदार नगर स्टेशन पर एनजीओ के लोगों ने क्रॉसिंग पार करने का तरीका। चीन ने समुद्र स्थित प्लेटफॉर्म से पहली बार अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया और यह लॉन्च मार्च करियर रॉकेट सीरीज का 366वां अभियान है। दुनिया के दो बड़े अमीर शख्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स और बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफे एक रेस्टोरेंट में काम करते नजर आए। दोनों एक रेस्टोरेंट में वेटर के ड्रेस में ग्राहकों के ऑर्डर बुक करने से लेकर फूड सर्विस करते तक नजर आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भारत, चीन और रूस में वायु प्रदूषण का स्तर अमेरिका से ज्यादा बताया गया है, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत, चीन और रूस को प्रदूषण और स्वच्छता की समझ नहीं है। ईद के मौके पर दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के विदेश सचिव और पूर्व उच्चायुक्त सोहेल महमूद थे, जहां भारतीय अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई। इसके जरिए अगले हफ्ते किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात की संभावना है।
गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए देश की सेना ने बड़ा ऐलान किया है। सेना के सुरक्षित तौर पर बजट में कटौती का प्रस्ताव किया है। पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि ये पहल अभूतपूर्व है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। ईद के मौके पर 5 जून को सलमान खान की फिल्म भारत रिलीज हो गई। सलमान ने फिर से अपने फैंस को भारत के रूप में ईदी दी है। पाकिस्तान के अपने हवाई क्षेत्र से पाबंदी हटाने के बाद इंडिगो के विमान ने उस रास्ते से सुरक्षित दिल्ली में लैंड किया। पाकिस्तान ने अहमदाबाद के निकट ठेलम एंट्री पॉइंट को रविवार शाम अपनी ओर से खोल दिया है। पाकिस्तान में ईद के चांद को लेकर महासंग्राम छिड़ गया। पाकिस्तान की तहरीक ए इंसाफ सरकार को खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार ने ईद मंगलवार को मनाने के फैसले से नाराज कर दिया। दूसरी तरफ इमरान खान सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी अपने देश के मौलानाओं से खफा हैं। 3 दिवसीय दौरे पर बंकिंगम पैलेस आए ट्रंप को करना पड़ा शर्मिंदगी का सामना। महारानी को 1 साल पहले खुद का दिया गिफ्ट नहीं पहचान डोनाल्ड ट्रंप। पत्नी मेलेनिया ने बताया कि हमारा दिया हुआ गिफ्ट है। कपिल के प्रसिद्ध द कपिल शर्मा शो पर सुनील ग्रोवर लगभग 2 साल से दिखाई नहीं दिए, लेकिन कपिल ने हाल में ही रिलीज हुई फिल्म भारत के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। फिल्म भारत की स्क्रीनिंग में सलमान खान के अपने बॉडीगार्ड को सयाम थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। इस घटना के वायरल वीडियो में दिख रहा है भीड़ में सलमान को बचाने के चक्कर में उनके बॉडीगार्ड फैंस को धक्का दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होने लगे, इसलिए सलमान खान ने थप्पड़ मार दिया। प्रियंका ने निक के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें निक बालकनी में खड़े हैं, जबकि प्रियंका बालकनी के नीचे खड़े होकर निक को देख रही है, जिसे देखकर आपको रोमियो और जूलियट की याद आ जाएगी। अनन्या पांडे ने एक शो में यह कहा कि वो कार्तिक आर्यन को काफी पसंद करती हैं और कार्तिक उनके क्रश है। इसके बाद कार्तिक और अनन्या को कई बार साथ देखा गया। आज 6 जून को गायिका नेहा कक्कड़ का 31वां जन्मदिन है। आज के वक्त में नेहा कक्कड़ को हिट सॉन्ग की मशीन कहना गलत नहीं होगा। नेहा कक्कड़ न सिर्फ अपने गानों से बल्कि अपनी स्माइल से भी सभी का दिल जीत लेती है। फिल्म सुपर 30 का ट्रेलर रिलीज होते ही आनंद कुमार ने अपने परिवार के साथ फिल्म का ट्रेलर देखा। ट्रेलर देखने के बाद उन्होंने कहा उन्हें लगा फिल्म में ऋतिक रोशन नहीं बल्कि वो खुद है। सलमान खान ने फैंस के मनोरंजन के लिए अपनी फिल्म भारत में जमकर मेहनत की, जिसका असर फिल्म रिलीज होने के दिन से ही देखने को मिल रहा है। पहले दिन के सभी शो हाउसफुल रहे। सलमान खान के टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 में राजपाल यादव घर के सदस्य के तौर पर नजर आ सकते हैं। भारत ने वर्ल्ड कप 2019 के अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेटों से हराकर टूर्नामेंट का विजयी आगाज किया है। रोहित शर्मा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 144 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 122 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने अपनी शानदार गेंदबाजी से 4 विकेट झटके। इसके अलावा बुमराह और भुवनेश्वर ने 2-2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 228 रनों का लक्ष्य दे दिया, जिसे भारत ने 47.3 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल किया। न्यूजीलैंड की टीम ने विश्व कप 2019 में द ओवल मैदान पर खेले गए मैच में बांग्लादेश को 2 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 64 रन बनाने वाले शाकिब अल हसन पर रॉस टेलर भारी पड़े। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए 91 गेंदों पर 82 रन बनाए। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 244 रन बनाए। जवाब में 245 रनों के लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड की टीम उतरी। 47.1 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 248 रन बनाए।